दोस्तों, बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान इन दिनों अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म में एक्टर के साथ लीड रोल में उनके जीजा आयुष शर्मा और एक्ट्रेस महिमा मकवाना नजर आ रही हैं। सलमान खान ने बॉलीवुड में आयुष शर्मा को फिल्म लव यात्री के जरिए लॉन्च किया था। हालांकि एक्टर इससे पहले भी सोनाक्षी सिन्हा और साई मांजरेकर जैसी कई खूबसूरत सुंदरियों को लॉन्च कर चुके हैं। ताजा रिपोर्ट की माने तो सलमान खान इन दिनों एक नया चेहरा बॉलीवुड के सामने लेकर आने वाले हैं और ये नया चेहरा कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी भांजी अलीजे अग्निहोत्री हैं। जी हां दोस्तों, अलीजे अग्निहोत्री जल्द ही रोमांस ड्रामा फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करती नजर आ रही हैं। सलमान खान अपनी भांजी को जल्द बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी में है। ये फिल्म अगले महीने से शुरू हो जाएगी, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म को कोई और नहीं बल्कि सलमान खान नतुल अग्निहोत्री अलवीरा खान प्रोड्यूस करने वाले हैं। ताजा रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सलमान खान अलीजे को बॉलीवुड में लॉन्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसे ग्रैंड लॉन्च बताया जा रहा है। ट्रेड से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि अलीजे 2 साल से एक्टिंग और ड्रामा सीख रही है, जिसकी वजह से सलमान खान काफी वेट कर रहे थे। सलमान खान और उनके माता पिता को लगता है कि अलीजे अब अपनी शुरुआत के लिए बिल्कुल तैयार है। यही वजह है कि सलमान खान अपनी भांजी अलीजे को जल्द बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी में है। सलमान खान अपनी भांजी को लॉन्चिंग के लिए काफी लेट नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि अगले महीने वो अलीजे को लॉन्च कर देंगे बॉलीवुड में। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि फिलहाल डायरेक्टर और बाकी कास्ट का फाइनल हो चुका है। सलमान खान जल्द अपनी भांजी के लॉन्च की भी अनाउंसमेंट करते दिखाई देने वाले हैं। अलीजे की डेब्यू फिल्म की शूटिंग 2022 में शुरू होगी और इसे 2023 में रिलीज किया जाएगा।